देंगे। आप सब लोगों को इस बात का पता होगा कि जर्मनी के अंदर जो इन्फेक्टेड केसेस का काउंट है वो 100,000 से ऊपर जो है वो जा चुका है, और जो गवर्नमेंट है उसने ऑफ़ कोर्स बहुत सारे डायरेक्टिव्स जो हैं वो इशू कर रखे हैं काफ़ी अरसे से कि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करें और कम से कम बाहर जाएं। और इवन बवेरिया जो है, जो जर्मनी की एक स्टेट है, उन्होंने कम्प्लीट लॉकडाउन भी कर रखा है। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त एक पब्लिक पार्क में आया हूं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस 100,000 केसेस का जो नंबर है इसको क्रॉस करने कर जाने के बावजूद भी जो जर्मन्स हैं, ये जो स्पेशली जो बर्लिन के रहने वाले लोग हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इसके बाद। क्योंकि देखें, बाहर निकलना जो है उसके ऊपर कोई बैन नहीं है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो पाबंदी है वो ये है कि आप लोग दो से ज़्यादा के नंबर में आप बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते। और अगर आप लोग एक हाउस होल्ड से हैं, यानी आप एक घर से ताल्लुक़ रखते हैं या आप एक वेगे में रह रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स फिर दो से ज़्यादा लोग भी जो हैं वो बाहर हो सकते हैं। और आप लोगों को बेसिकली अलाउड है ये कि आप जाके वॉक कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स तो ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लोगों को डेफिनेटली दिन में एक दफ़ा जो है वो बाहर निकलना चाहिए, ऑफ़ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करते हुए। तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक पार्क में हूँ, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि लोग जो है वो किस तरह से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और कैसे वो अपना दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग जो है उसका स्टार्ट हो चुका है जर्मनी में, और मौसम आज बहुत ही अच्छा है। तो लोगों को घर के अंदर बिठाना जो है वो बहुत ही मुश्किल जो है ना वो साबित हो गया। तो देखते हैं कि लोग जो है वो 100,000 केसेस के बाद किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आए मेरे साथ। आप लोगों ने देख लिया ये कि लोग जो है वो किस तरह से एहतराम कर रहे हैं लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का। आइडियली अभी जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड है, होना ऐसे चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि दोबारा मैं ये बता दूं, आई थिंक मैंने शुरू में भी ये बताया है कि बेसिकली बाहर निकलना जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बैन है, क्योंकि बर्लिन की जो स्टेट है उसके अंदर अलाउड है कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि आप लोग जो है वो दो से ज़्यादा का ग्रुप नहीं फॉर्म कर सकते। तो अब ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि अब सब लोग अगर इसी तरह दो दो के ग्रुप में, या अगर आप एक हाउस होल्ड में हैं तो, और आप लोग दो से ज़्यादा भी हैं तब भी आप आ सकते हैं, या आप एक वेगे में रह रहे हैं, वो उन गमाइनशाफ्ट में रह रहे हैं, इकट्ठे एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तब भी आप आ सकते हैं बाहर। तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं है, लोगों ने ख़ुद ही मेंटेन करना है। लेकिन आप लोगों ने देख लिया कि लोग किस तरह जो है वो इसको मेंटेन कर रहे हैं, और आई डोंट नो कि लग तो ऐसा नहीं रहा कि किसी को कोई खौफ है 1,00,000 केसेस क्रॉस करने का। तो
Anyhow, मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि स्टे सेफ, और आप लोग जो है वो जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो फॉलो करें, और मैं भी जो हूँ वो बिल्कुल सारे रूल्स जो हैं उनको मैंने फॉलो किया पूरी वीडियो के दौरान, ठीक है। और उसके अलावा ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक थम्स अप जो है वो ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।